आपको सभी को बताना चाहता हूँ, मैं एक एयरफोर्स का स्टूडेंट हूँ और मैंने अपना एग्ज़ाम पास कर लिया है। मेरे जैसे 7,000 बच्चों ने अपना एग्ज़ाम पास करके, सारे पैटर्न को पास करके ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट हमेशा कुछ ना कुछ बहाना करती है, पेपरों को रद्द कर देती है। कोई अपनी आवाज़ उठाना चाहता है तो पॉलिटिकल इशू बता देती है। इनको समझ नहीं आता कि जो ये जॉब है भारत देश में, इससे बहुत चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर एक बंदा जॉब लगता है ना, तो उससे उसकी पूरी फैमिली, आगे तक का सब कुछ सुधर जाता है, लेकिन ये गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं मानती। इनको ये लगता है कि पॉलिटिकल इशू है, बोलते हैं दबा देते हैं इनकी आवाज़। कोई शांति से धरना करना चाहता है तो पुलिस वालों को भेज देते हैं। कोई इस देश में अब अपनी आवाज़ उठा ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात, हम जैसे पता नहीं कितने बच्चों ने तिरंगा यात्रा करी, सब कुछ किया, लेकिन कभी पुलिस आ जाती है। कोई शांत, हाँ मैं मानता हूँ विद्रोह करना गलत है, मतलब जो पत्थरबाजी वगैरह वो गलत है, लेकिन शांति से अपनी आवाज़ तो उठा। जब ये दूसरी पार्टी में थे, जब ये अपने सत्ता में नहीं थे, ये भी तो अपनी आवाज़ उठाते थे ना, तो मतलब ये अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन जो बच्चा अपनी मेहनत करता है, भागता है, दौड़ता है, पेपर क्लियर करता है, उसको रद्द कर देते हैं। अगर कोई बोलने की हिम्मत करता है तो उसको दबा देते हैं। पता नहीं हम सारे कोर्टों में धक्के खा रहे हैं बच्चे, मतलब ये टाइम आ गया पेपर क्लियर करने के बाद भी धक्के खाना पड़ रहा है कि उस चीज़ को हमारी मंजूर करो। कोर्ट क्या सीन हो रखा है मैं आप सबको बताता हूँ कि ना, ये गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है बच्चों को रोज़गार मिले। ये बस पॉलिटिकल इशू मनाती रहती है, बस मंदिर एक बात बताऊँ, आगे मेरे को ये बात दिख गई है, स्कोप बताऊँ किस में, अगर तैयारी करो ना तो मंदिर बहुत खुल रहे हैं, तो है ना मंत्र सीख लो, मेरे को ऐसा लग रहा है उसमें ज़्यादा स्कोप मिलेगा इस पढ़ाई।